விச்சே ஓ மாயம் ரீம் கிளீம் சமுண்டாய் 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 விச்சே सेवक मुझे खजाना दे दे, घूमते हुए खजाने के सेवक मुझे खजाना दे दे, घूमते हुए खजाने के सेवक मुझे खजाना दे, घूमते हुए खजाने के सेवक का तू खजाने के चक्कर में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। ये एक सत्य कथा है। दुनिया में आज भी ऐसे कितने सारे किले हैं जहां अनगिनत मात्रा में खजाने दबे और दफन पड़े हैं, और ऐसे खजाने के साथ कई सारी आत्माएं और बुरी शक्तियां भी दबी हुई हैं। ऐसा माना जाता है जब भी कोई खजाने के प्रलोभन में इन आत्माओं को अनजाने में जगाने की कोशिश करता है तो उनके साथ कोई भयानक हादसा होता है। ये कहानी है रत्नागिरी शहर में स्थित मल्हार किले की। कहानी है वहां के तीन निठल्ले दोस्तों की जो घूमते हुए खजाने को प्राप्त करने की चाह में बुरी तरह फंस गए। देखा, ऐसे खेलते हैं। अरे क्या नसीम भाई, तुम हमेशा जीतते हो यार। आखिर क्या जादू है तुम्हारे हाथों में? इसे जादू नहीं, इसे हुनर कहते हैं भाई लोग। भाई बात तो सही कह रहा है नसीम, पैसा कमाने के लिए हुनर की जरूरत तो होती है, बस सही टाइम पर सही दिमाग इस्तेमाल करने का पता होना चाहिए। अभी डायलॉग बाजी पुराना बंद करो, अभी तक का पूरा 15,000 हो गया है, आज से उधारी बंद। चलो पैसा कब देने वाले हो ये बोलो। अरे क्या नसीम भाई, तुम भी ना, कहाँ यार तुम 1,000 रुपए में अटके हुए हो। 15 दिन रुक जाओ, लाखों रुपए कमा के देंगे हम तुम्हें। कौन सा खजाना लूटा है जो लाखों देने वाले हो? चाय पीने की तो औकात नहीं है, और चले कॉफी पीने 5 स्टार में। अरे हाँ हाँ, खजाना ही तो लगने वाला है हाथ। देखो यार, तुम लोगों ने फिर से बेकार की बातें शुरू कर दी। देखा, तेरे दोस्तों को भी तेरे पे यकीन नहीं है। अपने को तो बस अपना पैसा चाहिए, टाइम बोलो। ठीक है, अगली पूर्णिमा को तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। हंसले नसीम भाई हंसले, लेकिन अपना भी वक्त आएगा। बस 15 दिन का वक्त है, 15 दिन का। यार तुम लोग थोड़ा तो दिमाग लगाओ, आजकल के जमाने में कहाँ खजाना मिलता है, ये सब है ना बेवकूफ बनाने का धंधा है। अरे असलम सही बोल रहा है, हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं। दिल्ली से खजाना निकल पड़ा है और इस किले में आने वाला है। देख लसी, मैं तुझे सच सच बताता हूँ, हमारे पास एक बाबा है जो चलते हुए पुराने खजाने को प्रकट कर सकते हैं। यार तुम लोगों को पता है ना ये किला रात को कितना डेंजरस हो जाता है। सूरज डूबने के बाद यहाँ पर एंट्री भी नहीं है, और तुम लोग रात को खजाना ढूंढने की बात कर रहे हो। देख भाई, तू भी हमारा पार्टनर बन जा, 3 की जगह 4 हिस्से कर लेंगे, और तेरा जो है ना उसे रफा दफा कर। नहीं, मुझे इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, तुम जैसे बहुत देखे खजाना निकालने वाले। मैं, असलम, धर्मेश और अनुराग एक अच्छे दोस्त नहीं थे, पर हमारी गलत आदतें एक जैसी थी। उस दिन किले में घूमते घूमते जब खजाने की बात निकली तो मुझे सब झूठ लगा। मुझे लगा ये लोग अपना कर्जा ना चुकाने के लिए नए नए बहाने बनाने लगे, पर घर जाकर मैंने सोचा
और अगले दिन से मैं उनकी प्लानिंग का हिस्सा बना। पर क्या पता था खजाना पाने का यह सपना इतना महंगा पड़ेगा। यही वो जगह है जहां पर 14वीं शताब्दी के चुनार के किले का खजाना आकर घूमते घूमते रुक गया है। बाबा, आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि खजाना यहीं पे है? देखो देखो बाबा, ये सिक्का तो काफी पुराना लग रहा है। ये आपके पास कहां से आया? एक रात सपने में यह खजाना मुझे किले की दीवार पर चिपका हुआ दिखाई दिया। अगले रोज मैंने आकर के देखा, उस दीवार पर यह सिक्का चिपका हुआ था। मैं इस सिक्के को अपने घर ले आया और पूरे विधि विधान के साथ इसकी पूजा की, तो मुझे आभास हुआ कि उस 14वीं शताब्दी के किले का खजाना घूमता हुआ यहां तक आ गया है। तो बाबा, अभी खुदाई करके खजाना निकाल लेते हैं। मूर्ख, खजाने को प्राप्त करने के लिए उचित समय और अनुकूल मुहूर्त की आवश्यकता होती है। बाबा, हमने ये तो सुना है कि इस किले में रात के समय आत्माएं भटकती है, लेकिन यहाँ पर खजाना है, ये हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। अरे पागल है क्या, यहाँ पर खजाना वजाना कुछ नहीं है, ये बाबा तुम लोगों को मरवा देगा। देख नसीम, तू बाबा के बारे में कुछ मत बोल। एक तो वो हमारी मदद कर रहे हैं, ऊपर से तू फिजूल की बकवास कर रहा है। शांत हो जाओ तुम लोग, आपस में झगड़ा मत करो। इंसान तब तक विश्वास नहीं करता है जब तक उसके सामने कोई चमत्कार ना हो जाए। चलो अब हम लोग यहां से चलते हैं, इससे पहले कि किसी को शक हो जाए। चलो आ जाओ। क्या हुआ? वो तलवार, तलवार आ रही थी। तलवार? कौन सी तलवार? ये यही थी, मैंने देखी है। अरे तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, चल। डर गया शायद। बाबा, खजाने के बारे में कुछ बताइए ना। 14वीं शताब्दी में चुनार नाम का किला था जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मौजूद था। ये चुनार का किला दिल्ली के आसपास कहीं मौजूद था।
और जिस दिन उस खजाने के राजा की मौत हो गई, उस दिन वो खजाना और वो किला भी जमीन के नीचे दब गया। कहते हैं कि 500 साल तक कोई खजाना या कोई चीज अगर जमीन के नीचे दबी रह जाए तो अपने आप ही नीचे नीचे घूमने लगती है। चुनार के खजाने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो खजाना 500 साल की अवधि में हमारे यहाँ इस मलार के किले तक पहुंच गया है। अब किसी पूर्णमासी की रात में हम सब यहाँ इकट्ठे होंगे और उस खजाने को प्राप्त कर लेंगे। बाबा सुना है रात के समय यहाँ यहाँ भूतों का आवाज होता है। मेरे रहते यहाँ तुम्हें किसी भी भूत या प्रेत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मल्हार किला देश के उन गिने चुने अद्भुत किलों में से है जहाँ सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद घुसना मना है। यहाँ काफी अजीब किस्म के हादसे होते आ रहे हैं। ये किले आज भी लोगों के लिए अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। बचपन से हम ऐसी कहानी सुनते आ रहे हैं। सूरज ढलने के बाद इस किले की तरफ कोई देखता भी नहीं है, इसलिए इस मल्हार किले के पास कोई आता भी नहीं है। इस किले में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती आ रही है। इस किले में कई तरह की आत्माएं भी रहती है। कुछ लोग तो इस तरह की बातें करते हैं कि इस किले में खजाना है, पर रात के समय आज तक जो भी अंदर गया वो कभी लौट के वापस नहीं आया। और फिर एक दिन बाबा के बताए समय पर हम दिन में ही किले में पहुंच चुके थे, क्योंकि रात में किले में जाना मना था। मैं उस दिन भी गया था किले में, पर उन लोग की प्लानिंग का मजाक उड़ाने नहीं, खजाने की लालच में। सब लोग बहुत जोश में और खुश थे, पर जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। आज वो रात आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज के बाद हम सबका जीवन बदल जाएगा। बोलो तुम सब तैयार हो? हाँ हम सब तैयार हैं। चलो। अरे ये क्या, चुनार किले का बोट यहाँ कैसे आ गया? मोड़ी नहीं, मुझे तो ये किला भी कुछ बदला सा लग रहा है। यार तुम लोग यहाँ रात में पहली बार आए हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। अबे जो काम करना है वो पहले करो, अपने को तो खजाने से मतलब है। एक बात तुम सब ध्यान से सुन लो, कोई भी खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत सी रुकावटें आती हैं उसके बीच में। तुम सबको हिम्मत रखनी होगी, डरना नहीं होगा। चलो मुहूर्त का समय हो रहा है। वो खजाना आधे किलोमीटर की परिधि में ही मौजूद है। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, वो खजाना प्राप्त करने के दो तरीके हैं। पहला, अगर तुम लोगों को कहीं लाल रोशनी दिखाई दे तो समझ लो कि खजाना वहीं पर है, या फिर कहीं पर तुम लोगों को सिक्के की खन खन सुनाई दे वहां पर। बस अब जाओ तुम लोग अलग अलग दिशाओं में मेरे निर्देशानुसार, और उस लाल रोशनी को और उस सिक्के की खन खन की आवाज को ढूंढो। जाओ।
और तुम पश्चिम दिशा में ये लोटा लेकर के जाओ, वहां तुम्हें एक प्याऊ मिलेगा। उस प्याऊ में से जल भरकर यहां ले आओ, क्योंकि उस जल की आवश्यकता मुझे मेरी पूजा में होगी। जी बाबू। अगर तुम लोगों को कहीं लाल रोशनी दिखाई दे तो समझ लो कि खजाना वहीं पर है। मुझे खजाना मिल गया। ये रुमाल लगा ले, इससे खून निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, हम जल्दी खजाना लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ पर लफड़ा होने वाला है। मेरी बात मानो, निकल लो सब यहाँ से। यहाँ पर कोई है
मैं जा रहा हूँ, मुझे नीचे ही खजाना। नसीम, मैं जा रहा हूँ। तू बैठ जा। पश्चिम दिशा में ये लोटा लेकर के जाओ, वहां तुम्हें एक प्याऊ मिलेगा। प्याऊ में से जल भरकर यहां ले आओ। मैं आज भी उस समय को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी जान बचाकर किले में इधर उधर भाग रहा था, पर वो लोग अभी भी खजाने के लालच में किले में थे। Oh!
असलम, असलम पागल हो गया तू? असलम ये खून ही खजाना है। अरे पहले मुझे, फिर अनुराग को, और अब तुझे। वो हम सबको मारने के चक्कर में छोड़ी से। धर्मेश सही कह रहा है, हमें इस खजाने के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी जान बचाते हो, भाग निकलते यहाँ से। हाँ भाई लोग, तुम सही कह रहे हो, अपन ने इतना माल बटोर लिया कि चल असलम, असलम रुक जाओ। अरे मूर्खो, कहां भागे जा रहे हो? अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, कुछ देर के बाद ये खजाना हमारा होगा। नहीं चाहिए तुम्हारा खजाना, चलिए। असलम, पूरा हाथ गवाने के बाद भी तू सोच रहा है? असलम भाई चल, वरना सब मारे जाएंगे यार। जाओ जाओ, लेकिन ये चुनार के किले का खजाना पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा। मैंने तो तुम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया, मैंने तुम लोगों को इस खजाने का रहस्य तो बताया ही नहीं था। चुनार के राजा का एक वफादार सैनिक, उसका प्रेत इस खजाने की रक्षा करता चला रहा है आरंभ से। वो बहुत खतरनाक प्रेत है, अगर मैं तुम लोगों को उसके बारे में बता देता तो तुम लोग मेरा साथ देने के लिए कभी नहीं आते। और इसके साथ साथ उस लाल रोशनी की दरार में सिक्का डालने से खजाना पूरा का पूरा अपने आप बाहर निकल आएगा। मैंने तुम लोगों को यह भी नहीं बताया था। जानते हो, उस सिपाही के प्रेत को खुश करने के लिए मैंने तुम लोगों के खून का दान दिया है। अब उस खजाने को मुझे प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा, यहां तक कि उस खजाने का प्रेत भी नहीं। तेरी तो बाबा, बाबा अगर तूने खजाने को अकेले हड़पने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो चलो, चलो। चलो रास्ता तो उस तरफ से है। चलो Oh!
ये मेरी, ये मेरे आप क्या हो गए? मुझे मुझे कुछ मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे कुछ। क्या हो गया मुझे? क्या फर्क पड़ता है, खजाना तो भर लू। अनुराग, नसीम, धर्मेश, अस्लम भाई, ये सब धोखा है। तो करें क्या? इस दीवार को पार करके ही हम इस किले से बाहर जा सकते हैं। चलो आते। धर्मेश 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 आ गया। धर्मेश जल्दी धर्मेश। चल चली चल चली चल चली चली चल 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 फुट चल चल बस मुझसे वहां नहीं चला जाएगा, वो आ जाएगा, हम सब मरेंगे, कुछ नहीं होगा। काम करते हैं असलम, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए हम लोग वहां अंदर जाते हैं। चल चल हिम्मत हिम्मत दिखा, चल फुट चल, कुछ नहीं हुआ। किसी तरह वो तीनों अपनी जान बचाकर किले से भाग निकले थे। बहुत ही ज्यादा डरे हुए और जख्मी थे वो लोग। किले से निकलने के बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग सिर्फ भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। भागते भागते वो लोग इतने थक चुके थे कि उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वो लोग वहीं रुक गए। उन्हें लगा वो लोग मौत को हरा चुके हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि मौत अभी भी उनका पीछा कर रही है। सिक्कों की गिनती कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था खजाने के लालच में नहीं पड़ता। इसी खजाने के कारण वो आत्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है। कोई आत्मा वात्मा नहीं आएगी यार, ये खजाना मैं वहां कैसे छोड़ सकता था? ये हम तीनों का हिस्सा है, इसे हम आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे और अपने अपने घर निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, इस रात के बारे में हमें से कभी भी कोई जिक्र नहीं करेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है वो आत्मा कहीं आना आ जाए। कोई आत्मा नहीं आएगी। सुना है कि आत्माओं की भी अपनी कोई सीमा होती है। मैंने कहा था वो आ जाएगा, वो आ गया। शांत शांत हो जा। मैं देखता हूं। कोई नहीं वहां। देखो बस आज रात की बात, सूरज निकलने के बाद वो आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है,
जल्दी आ जाओ। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, बाहर आके मुझे मिस कॉल दो, ठीक है? रखता हूँ। धर्मेश, किससे बात कर रहा था तू? किसी से नहीं। सुन मत बोल, तेरी शक्ल बता रही है कि कोई चाल चल रहा है। तू चाल मैं क्यों चलने लगा? फोन दिखा। नहीं दिखाऊंगा। धर्मेश फोन दिखा अपना। नहीं दिखाऊंगा। फोन दिखा अपना। मैं नहीं दिखाऊंगा। धर्मेश अपना फोन दिखा। नहीं दिखाऊंगा। दिखा मुझे फोन। नहीं दिखाऊंगा मैं अपना फोन। छोड़। अरे नहीं छोड़, मैं कह रहा हूँ फोन छोड़। अरे नहीं दिखाऊंगा, छोड़ो छोड़ो। क्यों लड़ रहा आपस में? ये किसी कुछ बताने वाला था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया। ये गद्दार है। गद्दार तो तू है, तू साहब की तरह उसके जाने के ऊपर बैठा रहता है। तुझे मैं अच्छे से जानता हूँ असलम। ये ना मौका लगता है खजाना लेकर भागने लगा था। ये झूठ बोल रहा है। साले झूठ मत बोल। रुको रुको। अरे कितनी मुसीबत से बच के हम लोग यहाँ आए और तुम लोग लड़कर सारा प्लान चौपट कर देना चाहते हो। देखो मैं खजाने के चक्कर में लड़ा नहीं है। हाथ मिलाओ जोसेस, हाथ मिलाओ। सिर्फ एक सोने का सिक्का, मुझे धोखा देकर सारा माल खुद हड़पना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। असलम, दरवेश, असलम, दरवेश, दरवेश, असलम, दरवेश, दरवेश, क्या हुआ? दरवेश, 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 खजाने की रक्षा मेरा परम धर्म है। तुम लोगों ने उस खजाने को जलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है और हर अपराधी को मैं बहुत बुरी सजा देता हूं। मुझे माफ कर दो प्लीज। आज के बाद मैं खजाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। धर्मेश क्या हुआ? धर्मेश तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? धर्मेश खजाना कहाँ है? धर्मेश धर्मेश
धर्मेश, अगले दिन तीनों लोगों की लाशें बहुत ही बुरी हालत में मिली, पर बाबा की लाश आज भी गायब है। खजाना अपनी जगह पर पहुंच चुका था। लोगों के लिए उन तीनों की मौत आज भी एक रहस्य है, पर मैं जानता हूं सच्चाई क्या थी। इन सब चीजों से एक सीख मिलती है कि लालच में नहीं पड़ना चाहिए। आज भी मल्हार का किला उसी तरह मौजूद है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसके अनसुलझे राज की सच्चाई क्या है। पुराने समय में जब बैंक या लॉकर्स नहीं होते थे तो लोग अपनी बहुमूल्य वस्तुएं या सोना चांदी एक मटके में भरकर जमीन में गाड़ दिया करते थे और उसे इस प्रकार सिद्ध किया जाता था कि प्रेत आत्माएं उसकी रक्षा करती थी और ये प्रेत आत्मा उनके किसी विश्वस्त नौकर या सिपाही की होती थी या फिर किसी पूर्वज की। पूर्वजों की आत्माओं पर ज्यादा भरोसा किया जाता था और ये आत्माएं अनंत काल तक उस खजाने की पहरेदारी और रक्षा किया करती थी। प्राचीन काल से लोग इस प्रकार के खजाने की लालच में विपरीत परिणाम भोगते आए हैं, जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा। अंधविश्वास और लालच से दूर रहें, सुरक्षित।